हरे कृष्ण। एक व्यक्ति एक दिन जंगल में गया, गुजर रहा था अपने गांव की ओर। तो जंगल में उसने देखा कि एक लोमड़ी है, बेचारी लोमड़ी। क्यों कह रहा हूं बेचारी? क्योंकि उसके तीन पैर नहीं, एक ही पैर है, और भूखी लग रही थी। तो ये व्यक्ति ने जब उस लोमड़ी को देखा तो दया से भर गया और सोचने लगा कि इस लोमड़ी का जीवन पालन कैसे होगा, ये कैसे निर्वाह करेगी, ये तो शिकार पे भी नहीं जा सकती। ऐसी असमंजस में था, सोच रहा था कि वहीं अचानक एक शेर एक हिरन को मार के लेके आया और लोमड़ी से कुछ ही दूर बैठ के उस मांस को खाने लगा। आधा खाया और आधा छोड़ के चला गया। लोमड़ी सिरकते सिरकते खिसकते खिसकते उस मांस के पास आई और खाने लगी। ये व्यक्ति सोचने लगा, मेरे भगवान कितने दयालु हैं, ये देखिए ये लोमड़ी जो चल नहीं सकती फिर नहीं सकती, भोजन इसके पास स्वयं चल के आया है, क्या बात है। और मन में विचारधारा बना के कि जब भगवान लोमड़ी को खिला सकते हैं तो मुझे भी खिलाएंगे। और ये अपने गांव चला गया, रास्ते भर सोचता रहा कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे भगवान जो लोमड़ी को खिलाएंगे तो मुझे भी खिलाएंगे। ऐसा सोचता हुआ गांव चला गया। गांव जाके सब कुछ छोड़ के एक चारपाई पे बैठ गया और वेट करने लगा, किसकी? भोजन की। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, तकरीबन 6-7 दिन बीत गए, इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वेट कर रहा है भोजन की। मरण छैया पे ही था कि एक दिन आकाशवाणी हुई, गरजती हुई, और आकाशवाणी ने कहा, हे मूर्ख, तूने शिक्षा ली भी तो किससे? मैंने तो तुझे दोनों दिखाए थे, लोमड़ी भी और शेर भी। तूने शिक्षा ली, प्रेरणा ली लोमड़ी से, तूने शेर से प्रेरणा क्यों नहीं ली? जो गया शिकार किया, मेहनत की और किसी लाचार का सहारा बना, तूने उससे प्रेरणा क्यों नहीं ली? और ऐसे करते हुए आकाशवाणी समाप्त। इस व्यक्ति की आंखें खुल गई कि बात तो सही है, मैंने तो दोनों दृश्य देखे थे और मैंने प्रेरणा किससे ले ली? उस लोमड़ी से, शेर से। जीवन में कई बार जो हम देखते हैं उसी से हमारी विचारधारा बनती है, और जो हमारी विचारधारा बनती है उसी से हमारी चॉइसेस बनती है, और जो हमारी चॉइसेस बनती हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है। सही से देखना सीखना होगा। हरे कृष्ण।